भयंदर। भयंदर समुद्र किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर जो कभी एग्रीकल्चर लैंड के लिए फेमस हुआ करता था और आज आसमान को चूमती इमारतों का शहर है। किसानों के खून पसीने से सींची हुई ज़मीन से लेके बड़े बड़े मॉल बिल्डिंग तक का सफ़र तय किया है इस ऐतिहासिक भयंदर ने। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राइडिंग सोल आरवी में और मैं हूँ आपका होस्ट रवि। कल रात ऐसे ही अचानक एक्सप्लोर करने का ध्यान आया कि भयंदर को क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। मैंने मेरे फ्रेंड विपुल को पूछा कि वो मेरी हेल्प करेगा क्या भयंदर एक्सप्लोर करने में। उसने हाँ बोला और मेरी तैयारी शुरू। मैं सुबह 5 बजे घर से निकल गया क्योंकि मेरे घर से वहाँ पहुँचने तक कम से कम 1 घंटा लगता है। मेरे पास समय कम था और जगह ज़्यादा, तो इसलिए जितना भी हो सका मैंने ट्राई किया इस ब्लॉग में कवर करने का। ये मेरा 2020 का पहला ब्लॉग है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई होप इस साल आप जो भी सोचें उसे हासिल कर लें। चलो चलते हैं भयंदर की सैर पर। देखो चांद ऊपर, ये रहा चांद, फुल मून होके गया। पत्ता हुए पुल से प्यार हो गया एक्चुअली। सब यहाँ पे ऐसे मच्छी सुखाते हैं, फिर जब प्रॉपर सूख जाती है उसको मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। कभी अंदर कैमरे से रिकॉर्ड करना अलाउड है क्या वैसे, अगर साधक नॉर्मल टाइम पे कभी आते हैं तो परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू। मैं एक्चुअली आते टाइम रिकॉर्ड कर रहा था बट अनफॉर्चुनेटली मैं माइक लगाना भूल गया, इसमें अटैच करना भूल गया, जिसलिए मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। भयंदर एक्चुअली पहले तो बहुत आउटस्कर्ट एरिया में काउंट होता था, लेकिन फिलहाल आप देख लो कितना अच्छा डेवलप हो गया है और रोड भी देख लो कितने सही हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो गया पहले से। देखो डबल साइकिल, आई थिंक डबल ही बोलते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखी है बाय द वे। यहाँ पे आसपास के जो भी प्लेस विजिट करने हैं इनके हिसाब से ऐसा प्लान कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग में आए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सनराइज़ काफ़ी अच्छा होता है। ब्राज़ील क्लाइम करके भी एक जगह है भयंदर में जहाँ पे सनराइज़ भी बहुत अच्छा रहता है। बीच के पास है लेकिन हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली है कहाँ, ये जानकारी दी गई है मेरे सूत्र विपुल के द्वारा। सलमानवाड़ी, तो मतलब इसका सलमान खान का जो बंगला है उसके आसपास की जो प्रॉपर्टी है, वो खेत हैं, वो सलमान खान ने खरीदी हुई है, तो उस जगह को सलमानवाड़ी के नाम से जानते हैं। ये मुझे नहीं पता था, ये वापस मुझे मेरे सूत्र विपुल सिंह ने बताया है। चलिए थोड़ा और टाइम मेरे को यहाँ स्पेंड करना था बट थोड़ा सा काम है मुझे, इसलिए मुझे ज़्यादा रुक नहीं सकता एक्चुअली। तो वो नीचे वाल गिरा है, वो लेडी गिर गई यहाँ पे, टायर स्लिप हो गया।
मैंने भी नीचे पैर रखा तो मेरे भी एक्चुअली पैर स्लिप हो गया था नीचे भी। कैसे पता चलेगा यार, बहुत अनफॉर्चुनेट रहता है ये सब, और ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। तो सामने हाईवे दिख रहा है हमें, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जिसको पकड़ के आई विल लीव फॉर चेंबूर, वो भी कनेक्टेड टू वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे नाउ। स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, एकदम खतरनाक ही चला रही है लड़की गाड़ी। चलो जवान, इस ब्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं। दिस इज योर होस्ट रवि, साइनिंग ऑफ नाउ, बाय।